नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ काफी अलग अलग प्रकार के मानसिक रुग्ण आते हैं और वो अच्छा होने के बाद में फिर अपनी राय, उनका उपचार कैसे हुआ इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। लोगों को इससे फायदा होना चाहिए इसलिए वो शेयर करते, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेंगे। कुछ केस स्टडीज मैं आपके सामने दे रहा हूँ, तो आप देखिए। और इस तरह के पेशेंट भी अच्छे हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी हो सकती है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो यह वीडियो देख के लोगों को शेयर करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील खराटे, केळकर हॉस्पिटल रामदासपेठ अकोला यहाँ से बात कर रहा हूँ। हमारा हॉस्पिटल भुसावल से एकदम नज़दीक है, नागपुर से भी नज़दीक है। बहुत दूर दूर से पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं। अभी मैं जो आपको पेशेंट दिखाने जा रहा हूँ थोड़ा सा अजीब किस्म का है। इनको क्या होता था पता है कि कुछ भी अगर खाए, शादी को लगभग 1.5 या 2 साल हुए हैं सिर्फ, और कुछ भी अगर खाए तो इनके पेट में रहता ही नहीं था, उल्टे हो जाते थे। बाकी बीमारी पेशेंट को कुछ भी नहीं है, बुखार नहीं है, मेंटल इलनेस कोई नहीं है, पागलपन के जैसे हरकतें नहीं है, घर में काम धंधा अच्छे से करना। लेकिन एक ही शिकायत थी कि कुछ भी अगर खाया तो इनको ओमेट हो जाते थे। इनका वेट पहले काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी 2 साल हो गए शादी होने के बाद में, और कुछ दिनों के बाद अच्छा रहा। अच्छा रहने के बाद में एकदम से तकलीफ चालू हो गई और उनका वेट एकदम से कम होने लगा। ये अपने पास में आए, हमने एडमिट कराया, 8-10 दिन भर्ती थे। पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिला और रिलीफ मिलने के बाद में वो घर पे गए। घर पे जाने के बाद में अभी 3 महीने के बाद में आए, तो देखिए उन्हीं के जबाने से अपन उनसे बात करते हैं। अभी उनको कैसा लगता है आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अपन सुनते हैं, इनके हस्बैंड साथ में हैं, तो इनको क्या क्या तकलीफ होती थी। नमस्ते। नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? मैं MP देवास डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। देवास से आए हो जी? अच्छा, क्या तकलीफ थी इनको? ये मेरी वाइफ है और अच्छा। पिछले 1.5 साल से इन्हें वोमिटिंग की शिकायत है, मतलब ये कुछ भी खाती पीती थी। अच्छा। इवन पानी का अगर ये घुट भी पीती है तो वो वापिस से उल्टी के द्वारा बाहर निकल, पानी भी सहन नहीं करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका वेट शादी के 6 महीने तक 58 kg था। 58 था। यहाँ जब हम लाए थे जब इसका वेट हो गया था 35-36 कह रहा हूँ, मतलब 20-22 किलो वेट कम, 22 किलो वेट इनका कम हो गया है। और बाकी कुछ दिक्कत है इनमें? और मैंने इंदौर, भोपाल, MP में, मतलब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा। अच्छा। वहाँ हर टाइप की जांचें हुई। हाँ, बड़े हाँ। से बड़े डॉक्टरों ने इनका इलाज करा। हाँ जी, हाँ जी, 10 10 हाँ। दिन 20 20 दिन एडमिट रही वो। ओके, जैसे ओके। बॉम्बे हॉस्पिटल हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया। अच्छा। पर एक भी जांच में कुछ भी नहीं निकला, सारी जांचें नॉर्मल आई। हाँ, इन्हें हाँ। एक भी तरीके की बीमारी बिल्कुल नहीं निकली। हाँ। हम काफी परेशान हो गए थे। अच्छा, अब करना अच्छा। है तो क्या करें। हाँ, हाँ। हमारे एक परिचित ने बताया था और हमने इंटरनेट पर सर्च करा था दीपक केळकर जी के बारे में। अच्छा। तो फिर हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके सर के पास यहाँ पे आए हैं। हाँ। हमें मुश्किल से 2 या 3 ही दिन हुए थे यहाँ पर आए को। बराबर। और हमें 14 दिन से आराम लगने लग गया था। अच्छा। हम यहाँ से काफी सेटिस्फाइड हुए थे उस टाइम पे। हम यहाँ 12-13 दिन रुके थे। ओके। यहाँ की जो ट्रीटमेंट चला वो पूरा हमने लिया। यहाँ से जाने के बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। अच्छा। लगभग 2 महीने तक ये काफी अच्छे तरीके से रहे थे। बराबर। फिर एक बार हम रीचेक के लिए हम वापिस से यहाँ पर आए हैं 2-4 दिन के लिए, और आने के तुरंत बाद हमें वापिस से फायदा दिख रहा है। बराबर। तो हम काफी सेटिस्फाइड है यहाँ की टीम से और दीपक सर से। हाँ, हाँ। कि मतलब उन्होंने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से यहाँ निकाला है। बराबर, सही बात है। और एक नया जीवन दिया है भूमिका को, मेरी वाइफ को। अच्छा। और हम दोनों को ही नया जीवन दिया है। देखिए अपन अभी पेशेंट के साथ में बात करते हैं। भूमिका जी नमस्ते। नमस्ते। कितने दिन से तकलीफ थी आपको? ये मेरे को शादी के 2 या 3 महीने बाद से तकलीफ होने लग गई थी। अच्छा, तो क्या क्या होता था आपको? इसमें मैं यदि कुछ भी एक पानी का घूट भी पीती थी तो उल्टी होने लगती थी। कुछ भी खाओगे तो बस तुरंत बाहर आने लगता था। अच्छा। हाँ, हाँ। और ये मतलब सारे डॉक्टर को इलाज करवा लिया, जबकि मेंटल डॉक्टर को भी बता दिया। अच्छा। पर किसी से कोई फायदा नहीं। कहाँ पे इलाज कराया आपने? इंदौर में करवा लिया हमने, भोपाल में करवा लिया, और भी मतलब ये छोटे छोटे आसपास। बाकी वो लोग बोलते हैं कि बाबा को दिखाओ, उसको कहीं भूत वूत भी तो नहीं लगा है, वो भी किया आपने? सब लोगों को दिखा दिया, पर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। फिर हमको हमारे पहचान वाले हैं, एक सहयोगी है, उन्होंने हमको सर का बताया कि आप वहाँ जाइए। हम सर के पास आए तो मतलब सर को तो मेरी हालत बहुत ख़राब लगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हालत ख़राब थी मेरी। बराबर। तो सर ने मुझे पहले एक बॉटल लगाई और तुरंत उसके 2-3 दिन बाद मेरे को खाना खिलाने लग गया। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई मैडम आपकी? पढ़ाई मेरी BSc कंप्लीट है, MSc रनिंग चल रहा है। MSc चालू है अभी? हाँ। अच्छा, घर में माहौल कैसा है? घर का माहौल भी बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया है। बढ़िया। बाकी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, घर के हालात बराबर है, हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन अच्छे से है, लेकिन फिर भी कहाँ
कुछ तो हुआ और उसकी वजह से बीमारी चालू हो गई। अभी किसी ने अगर देखा तो किसी को नहीं लगेगा ये कि मेंटल इलनेस है, लेकिन हमारी नज़र में वो मेंटल इलनेस था, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चालू है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, घर का माहौल अच्छा है, सब अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन की वजह से, जैसा सर का वीडियो आपने देखा होगा कि मानसिक, पेट का मानसिक कनेक्शन, वो जो बोला था सर ने, उसी का एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया है, उसी का एक पेशेंट मैंने दिखाया आपको। अगर कोई है, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मेंटल इलनेस है, लेकिन वो मेंटल इलनेस ही है। ऐसा अगर कोई है आपके आजू बाजू में है, आपके नज़र में है, तो उसको हमारे यहाँ पे लाइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।